हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्प्राउट्स जो होते हैं वो हमारे लिए कितने हेल्दी और बेनिफिशियल होते हैं, हर किसी प्रॉब्लम के लिए, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड होता है। तो आज मैं इसी स्प्राउट से आपके लिए एक बहुत ही अच्छी, सिंपल और 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें एक बूंद ऑयल का भी यूज़ हम नहीं करते हैं और बनने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्प्राउट्स बनाने होंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी चना लिया है, ये काला चना है देसी, और इसको हमें भिगो कर रखना है रात भर के लिए। इसको आप रात भर भिगो कर रख दीजिए और सुबह आपको इस तरीके का फूला हुआ चना मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे और इसका सारा पानी निकाल कर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर कर इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर गर्मी हो और ज़्यादा हवा इसके अंदर ना जाए। गर्मियों में ये 24 घंटे में स्प्राउट्स आ जाएंगे इसके अंदर, और सर्दियों में 48 आवर्स के अंदर इसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके के ये चने स्प्राउटेड आपको मिल जाएंगे। तो एक साथ आप ढेर सारे स्प्राउट्स बनाकर फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, और जब भी आपको ये डिश बनानी हो तो आप फ्रिज से थोड़ी सी स्प्राउट्स निकालिए और इसको बना लीजिए। ये 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके साथ हम सर्व करते हैं एक तरीके की चटनी, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, हेल्दी है, क्योंकि इसको हम बनाते हैं लहसुन के साथ। ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा जो बन जाता है लहसुन का, उसकी कलियाँ ले ली हैं और साथ में एक तीखी वाली हरी मिर्च ले ली है। आप मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कम या ज़्यादा। अब इसको हमें जो अदरक कूटने वाला आता है इसके अंदर हम डालकर इसको कूट लेंगे, जो लहसुन होता है, और साथ में जो मिर्ची हमने ली थी उसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर और इस तरीके से इसको साथ में कूट लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े पीसेस भी होने चाहिए और थोड़ा सा ये पिस जाए। इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा डालिए, जिससे इस चटनी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कम नमक डालेंगे तो उतना ज़्यादा टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो अब इसको खाली कर लेंगे और चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी के साथ इस चटनी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पर मैंने एक तवा चढ़ा लिया है गैस पर, और जैसे ही गर्म हो जाता है आँच को कम करके इसके ऊपर हम स्प्राउटेड चना डाल देंगे और इसको धीमी धीमी आँच पर हम 5 मिनट तक भूनेंगे और इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह हमें ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं डालना, कोई भी स्पाइसेस, नमक नहीं डालना इसके अंदर हमें, और बस धीरे धीरे भूनते हुए ये जैसे आप चलाते जाओगे इसका जो सारा पानी है ये सूख जाएगा और ये हल्के हल्के से भुने भुने से आपको नज़र आने लगेंगे। इसकी आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करिए, वरना ये चने अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये जलने से लगेंगे। तो 5 मिनट के अंदर ही आप देखोगे कि ये चना जो है इसका पकने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा, कि ये जो इसका छिलका होता है ये चने से अलग होकर फटने सा लगेगा, खुलने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि हमारे चने बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस इसको हमें इसी स्टेज पर बाउल में निकाल लेना है और गर्मा गर्म इसको हमें सर्व करना है उसी लहसुन और मिर्च की चटनी के साथ। ये दोनों चीज़ें आप खा कर देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप डाइट कर रहे हो तो, और अगर डाइट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।